आईपीएल कमेंट्री में बिजी गंभीर ने की मांग इस्तीफा दे केजरीवाल। कापड़ी बोले शर्म बाकी है कि नहीं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से बिगड़ रही स्थिति को देखते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए राजधानी में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का संकट आ चुका है। एक तरफ जहां दिल्ली में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं अस्पतालों में आई ऑक्सीजन की भारी किल्लत के कारण मरीजों की जान जा रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन ना होने के कारण स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक भी करने वाले हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण से बनी स्थिति से निपटने की जगह भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी राजनीति करने पर तुले हुए हैं। दिल्ली से भाजपा नेता और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग मर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्म है तो इस्तीफा दे। इस मामले में पत्रकार विनोद कापड़ी ने भाजपा नेता गौतम गंभीर पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सारी सरकारें नाकाम हो रही है, मोदी से लेकर केजरीवाल तक, वक्त है सामने आकर मदद करने का, लेकिन एक सांसद दिल्ली के मरते लोगों की मदद करने के बजाय आईपीएल कमेंट्री में लगा है, थोड़ी शर्म बाकी है कि नहीं, @गौतम_गंभीर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से आग्रह भी किया है कि राजधानी में जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। दरअसल दिल्ली के अस्पतालों में अब कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक बचा हुआ है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंच सके।